जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कल राजपूत रेजिमेंट सेंटर में उत्तर प्रदेश वालों के मतलब कि पहले दिन भर्ती का था वो स्टार्ट हुई थी, तो मैं आपको बता दूं आज दूसरा दिन है राजस्थान का, तो उसका आपको फुल रिव्यू दूंगा। और बता दूं कि जो आपकी कल भर्ती हुई थी 13 तारीख को, तो उसका मेडिकल होगा दोस्तों आपका 15 तारीख का। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो बच्चे निकाले गए हैं भर्ती से वो निकाले गए हाइट में, और जिनकी चेस्ट कम है वो, और जिनका फुलाव नहीं आ पा रहा था वो, और जो बीम नहीं लगा पा रहे थे, थोड़े बीम इस बार भी हार्ड ले रहे हैं पिछली साल की तरह, तो हार्ड बीम हो रहे हैं दोस्तों। चेस्ट भी थोड़ी हार्ड तरीके से नापी जा रही है। और आज का रिव्यू दोस्तों मैं आपको दूंगा, कितना टाइमिंग मिला, क्या बैच बना है, और दोस्तों आपकी पुलिस वेरिफिकेशन मांगी गई है या नहीं मांगी गई है। तो दोस्तों पहले बात करता हूँ आपका बैच का, तो दोस्तों बैच आपका बता दूं मैं कल की तरह वही आपका बैच 50 का बना है, पूरे 50 का, ना तो 60 का ना 70 का, केवल आपका 50 का बैच बना है। और दोस्तों बता दूं आपकी टाइमिंग के बारे में, तो दोस्तों टाइमिंग आपका पूरा 5:45 पूरा दिया हुआ है। कुछ भाई बोल रहे थे कि वहां से ऑफिसर जाने के बाद स्क्रीनिंग पे थोड़ा 4-5 सेकंड टाइम कम दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरा 45 टाइम दिया है, 5:45 पूरा आपको टाइम दिया है, पूरा फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का, और 5:30 आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए दिया हुआ है। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको आरटी सेंटर पर बता दिया था कि आपकी रनिंग कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, वो हमने दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर हमने बता दिया था। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन हो सकते हो। हम आपको यहाँ पर जानकारी देते रहते हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हो आपको आरटी पीसीआर लेकर जानी थी या नहीं लेकर जानी थी, इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको जानकारी दी है। और दोस्तों आपको बता दूं सेंटर पर राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में आपको पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं या नहीं, तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं मांग रहे हैं, आज भी उन्होंने नहीं लिया है और कल भी उन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि कल थोड़ी ऐसी मुझे जानकारी मिली थी कि कल राजस्थान की ज्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगा। और दोस्तों आधार कार्ड में कुछ बच्चे निकले हैं जिनका ऑनलाइन आधार कार्ड जैसे किसी ने करेक्शन कराया हो, लेकिन अभी तक वो नेट पर नहीं चढ़ा, तो उसमें भी डॉक्यूमेंट में भी बच्चे बाहर किए गए हैं, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना। हमने आपको जानकारी दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, वो दोस्तों आप इस वाली भर्ती को देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जिसने अभी तक वो वाली भर्ती नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, इसमें इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको सभी जानकारी दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपको इस YouTube चैनल पर देते रहते हैं, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इस रेड वाले पर क्लिक करके जो ये घंटी का ऑप्शन आ रहा है इस पर दबाना, और ऑल का ऑप्शन आएगा तो ऑल पर दोस्तों आप सेट कर देना, जो ये ऑल लिखा हुआ आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जैसे भी हम आपके लिए कोई जानकारी लाए। तो दोस्तों हम आपको जल्द ही अब आरटी सेंटर की आज की जानकारी भी देंगे, तो तब तक सब्सक्राइब कर लेना चैनल जिसने नहीं किया है। जानकारी दोस्तों हम आपको इस YouTube चैनल पर देते रहते हैं, सभी रिलेशन भर्ती हो चाहे अन्य किसी भी तरीके की जानकारी हो, हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं इस YouTube चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, हमने आपके सभी जितने भी रेजिमेंट है दोस्तों ज्यादातर की रनिंग की जो वीडियो हुई है, यानी कि टाइमिंग कितना है, बैच और ग्राउंड पर होगी या रोड पर, तो दोस्तों उसकी जानकारी दी हुई है। तो जिसने ये वाली वॉच लिस्ट नहीं देखी यानी प्ले लिस्ट नहीं देखी, तो जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।